घोषित हुआ भारत का न्यूजीलैंड दौरा, खेले जाएंगे 3 T20 और 3 वनडे मुकाबले। हार्दिक पांड्या होंगे भारतीय टीम के नए कप्तान। जानेंगे न्यूजीलैंड दौरे के लिए क्या है भारतीय टीम, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। T20 वर्ल्ड कप 2022 खत्म होने के तुरंत बाद ही भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है। आपको बता दें, इस दौरे पर भारतीय टीम 3 T20 मैचों की सीरीज के अलावा 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलने वाली है। T20 सीरीज की बात करें तो T20 सीरीज की शुरुआत 18 नवंबर को होगी, जहां पर पहला T20 मुकाबला वेलिंगटन में खेला जाएगा, दूसरा T20 मुकाबला 20 नवंबर को, तो वही तीसरा T20 मुकाबला 22 नवंबर को खेला जाना है। वनडे सीरीज 25 नवंबर को शुरू होगी, इसके बाद दूसरा वनडे मुकाबला 27 नवंबर को, तो वही सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 30 नवंबर को खेला जाएगा। आपको बता दें, न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। T20 सीरीज में सभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। T20 सीरीज में जहां हार्दिक पांड्या कप्तान रहने वाले हैं, तो वहीं वनडे सीरीज में शिखर धवन भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। आपको बता दें, दोनों ही सीरीज में ऋषभ पंत टीम के उपकप्तान रहने वाले हैं। अगर हम T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड पर एक नजर डालें तो हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार और उमरान मलिक को शामिल किया गया है। दूसरी तरफ अगर हम वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के बारे में बात करें तो शिखर धवन, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, शाहबाज अहमद, यजुवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर, कुलदीप सेन और उमरान मलिक को मौका दिया गया है। आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।